अब मैं आपको बताता हूं कि आज नवमी की तिथि में ही किसी भी जातक को, किसी भी साधक को माँ कमला की आराधना कैसे करनी चाहिए। माँ कमला की आराधना जब आप करें तो आपका मुख जो है वो आकाश की ओर होना चाहिए, यानी आप जब मंत्र जाप करें तो आप आकाश की तरफ देखते रहें। और उसी तरीके से मैंने बताया, जब माँ मातंगी की आराधना करते हैं तो पृथ्वी की तरफ यानी भूमि की तरफ देखते हैं, तो आपको सिर झुका करके उनका जाप करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज नवमी की तिथि में ही माता कमला को प्रसन्न करने के लिए कौन से महामंत्र का आपको जाप करना है। माँ कमला का महामंत्र है क्रीं ह्रीं कमला ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, जिस तरीके से हम आपको हर दिन के लिए बताते आ रहे हैं। और यदि आपके पास समय का अभाव है तो माँ कमला अर्थात माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कम से कम 108 बार पूरी दिनचर्या में किसी भी समय आप इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस मंत्र के जाप के लिए यदि आपके मन में कोई भाव है, कोई विशेष कामना की सिद्धि के लिए आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी योग्य आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में आप उनसे अनुष्ठान करा सकते हैं, या फिर आप स्वयं पूरे विधि विधान के साथ आप इनका जाप करें। माँ कमला का जाप 10 महाविद्याओं में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इनका जाप करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी दारिद्र परेशान नहीं करता, अर्थात दरिद्रता आपके आसपास नहीं आती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति माँ कमला की साधना करते हैं उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आज नवरात्र के दिनों में महाविद्या और नवदुर्गा की साधना आपकी पूर्ण हो, आपको पूरी पूरी कृपा मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।